गाइस गुड मॉर्निंग। भाई ठंडियाँ तो स्टार्ट हो गई और काफ़ी ज़्यादा आजकल बहुत ठंडी पड़ रही है भाई। सब कोई परेशान है एकदम ठंडी के लिए में। भाई हम लोगों को इस ठंडक में एनर्जी बनाए रखने के लिए कुछ खाना पीना तो ज़रूर कुछ चाहिए। तो देखिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ठंडियों में गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। तो आज मैं आपको गुड़ से ही बनी एक इंस्टेंट सी चीज़ बता रही हूँ नाश्ता, जिसको बना के आप एकदम खस्ता बढ़िया से बना के रख दीजिए, हफ्तों 15 दिन तक ख़राब नहीं होने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से बन भी जाती है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में गुड़ रख दिया है, ये 250 ग्राम गुड़ है और इसको एकदम स्लो आंच पे हम लोग बिना पानी के ही इसको धीरे धीरे गलाते हैं। ये देखिए गाइस, ये धीरे धीरे अपना गल रहा है, इसको बराबर हिलाते रहिए नहीं तो नीचे से पकड़ लेता है। और ये देखिए, ये अब धीरे धीरे करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये आराम से ये पिघल रहा है। कोशिश करिएगा आप प्योर गुड़ ही लीजिएगा, ये वाइट वाली नहीं लीजिएगा, जो चॉकलेटी कलर में होती है वो वाली लीजिएगा, वो बिना मिलावटी के होता है। तो उससे कोई भी डिश आप बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगी और अच्छी भी लगेगी। ये देखिए हमारा धीरे धीरे हो रहा है, इसको बराबर कंटिन्यूसली चलाते रहिए नहीं तो नीचे पकड़ने का डर रहता है। ये चाशनी आने तक हम इसको चलाते रहेंगे, एकदम आंच बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। ये देखिए एक तार की चाशनी हो जानी चाहिए। देखिए हमारी अब तैयार हो गया और मुरमुरा एकदम कुरकुरा लीजिएगा। ये देखिए एकदम, अगर आपका मुरमुरा कुरकुरा नहीं है तो उसको कढ़ाई में हल्का सा डाल के 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए ताकि वो कुरकुरा हो जाए, क्योंकि इसमें क्रंची ही रहता है तभी अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए बराबर इसको हम हिलाते जा रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको गाइस कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिस और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच चुके और वो भी फ्री में। ये देखिए हम देख लेते हैं, अब एक कटोरी में पानी लेके उसमें डाल के देख लेते हैं कि चाशनी हमारी तैयार है कि नहीं तैयार है। ये देखिए दोस्तों, ये गोली आराम से बन गई है, इसका मतलब बस हो ही चुका है। थोड़ा सा भी हम और इसको चला लेते हैं, उसको नीचे ऊपर चलाते रहें। बस 2-4 मिनट का और कसर है, बस हो चुका है ये। इस तरह से आप गैस घर पे बनाएंगे तो घर पे आपका कोई भी सामान प्योर होगा, आपने अपने हाथों से बनाया है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है अपने हाथ से बनाने में। ये देखिए अब चाशनी लगभग पूरी तैयार हो गई, अब हमारी गोली बड़ी आराम से बन रही है। तभी इसको हम लगातार चलाते रहे हैं। अब गैस बंद करके भी इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। देखिए हम कंटिन्यू चला रहे हैं इसको गैस बंद करने के बाद भी, गरम में नहीं डालना है, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए गुनगुना ही रहे उस समय करना है। तो इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें चाशनी बनती जाए। कंटिन्यू चलाने से गुड़ में एक लहसुन पैदा हो जाता है, उससे ये क्रंची बनता है जो हम बना रहे हैं नाश्ता, ये क्रंची बनता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए इसको बिना हाथ रोके आप लगातार इसको चलाते रहिए। ये देखिए अब मैंने गैस से नीचे उतार दिया है और इसको कंटिन्यू चला रही हूँ। किसने इसको बनाया है अपने घर पे मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा लगभग तैयार हो चुका है, चाशनी आ रही है,
इसको नीचे ऊपर ऊपर नीचे करके बराबर चलाते रहिए। थोड़ी सी ये ठंडी भी हो जानी चाहिए, बस हल्की सी गुनगुनी रहे इतना हमको चाहिए। अब देखिए ये टच करने पे जल नहीं रहा है तो मतलब तैयार है। अब इसी में हम अपने सारे मुरमुरे डाल देते हैं, इसको नीचे ऊपर करके इस मिला देते इस गुड़ के चाशनी में जितने भी हमारे मुरमुरे हैं उसको नीचे ऊपर करके हम मिला देते ताकि अच्छी तरह से पूरा चारों तरफ मिक्सअप हो जाए। इसको नीचे ऊपर करके आप मिला लीजिए। देखिए गाइस आपने एक नोटिस बात किया है कि मैंने इसको गुनगुना में ही किया है। इससे होता यह है कि आपका मुरमुरा गरम में अगर आप गरम गुड़ में डाल देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, और ऐसे जब हम ठंडा करके कुछ डालते हैं हल्के से गुनगुने में तो ये हमारा जो मुरमुरा है वो पूरी तरह से क्रंची रहता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब गुड़ की चाशनी बना दिए हैं तो वो एकदम क्रंच करके खाया जाएगा, एकदम बाजार जैसी रहेगी और बिना मिलावट के, तो खाने में बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि कितने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में हमारे देखिए कितने सारे तैयार हो गए। बस 10 से 12 मिनट लगता है बनाने में और हमारे देखिए अच्छे खासे क्वांटिटी में तैयार हो जाएंगे। तो गाइज इसी तरह आप लोग भी अपने घर पे ही बनाना बनाइएगा, एक बार तो ज़रूर बनाइएगा, मेरी तरीके से बनाइए, सब वाह वाही सबको ही कहेगा। ये देखिए सारे लड्डुओं को हम तैयार कर लेते हैं इससे। ये हमारे यूपी स्टाइल के हैं। इसको बराबर नीचे ऊपर के चलाते रहिए ताकि जमने ना पाए। मैं तो अकेली ही हूँ, नहीं तो दो तीन लोग रहें तो और भी जल्दी से तैयार हो जाए बनाने के लिए। अभी तो भाई मैं अकेली ही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ और ये आप लोगों के लिए देखिए ये लड्डू भी तैयार कर रही हूँ। तो गाइज एक बार मेरे तरीके से ज़रूर आप लोग बना के देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना। ये देखिए गाइस हमारे इतने सारे लड्डू तैयार हो गए हैं।